तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। इवन इफ़ वन ऑफ देम फेल्स, इट्स नॉट इक्विवेलेंस। यदि एक भी कोई फेल होता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में पहला हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिलेशन आर डिफाइन ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन आर जो डिफाइन है सेट ए से, उसको रिफ्लेक्सिव तब बोलेंगे जब एक्स एक्स बिलोंग करेगा उस रिलेशन से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग ए। ठीक, अब इसको ऐसे समझ लीजिए। देखिए कोई एक सेट है ए 1 2 3 4 5। ठीक, अब ए ए बिलोंग करे उस रिलेशन से, तो यहाँ पर एक लिखे हम रिलेशन आर 1 1 2 2 4 4 5 5। देखिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 3 नहीं है। 3 3 होता अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 होता तब ये आप जब तब आपका ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक क्या होता है। अ रिलेशन आर डिफाइन ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ़ यदि एक्स वाई बिलोंग करे आर से, दिस इम्प्लाइज वाई एक्स भी बिलोंग करे आर से, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग ए से। ठीक, तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल देख के समझ में अच्छे से आएगा। देखिए कोई सेट ए है 1 2 3 4 5 है। ठीक, और इसमें ए बी बिलोंग आर करे, दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग आर से करना चाहिए। तो ये देखिए रिलेशन है 1 2 2 1। 1 2 का उल्टा देखिए 2 1, हाँ है। 3 5 का 5 3 है। ठीक, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव देखते हैं। अ रिलेशन आर डिफाइन ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ़ एक्स वाई बिलोंग करे आर से एंड, और साथ ही साथ वाई जेड बिलोंग करे उस रिलेशन से, दिस इम्प्लाइज तब एक्स और जेड भी बिलोंग करे आर से, तब उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक, तो इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये वाला एग्जांपल पहले देखिए। ए कोई सेट है 1 2 3, तो आर रिलेशन है 1 3 1 3 है। ए बी है, ए बी है, ठीक 1 3 है, एंड साथ ही बी और सी भी है, देख लीजिए बी सी है। ठीक, और तब ए और सी भी होना चाहिए, ए और सी, तो 1 और 2 भी होना चाहिए, तो 1 2 है। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है आपका। ठीक, अब एक एग्जांपल ये देख लीजिए। एक रिलेशन है, एक सेट से डिफाइन है 1 2 3 4 है। ठीक, तो रिलेशन है 1 1 2 2 1 2 3 3 2 1 4 4 2 3, इसको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं। इसमें 1 1 है, ठीक 1 1 है, 2 2 है, 2 2 है, 3 3 3 3 है, 4 4 4 4 है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए हम लोग सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 3 2 3 बिलोंग कर रहा है लेकिन 3 2 बिलोंग नहीं कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है लेकिन 3 और 2 कहीं बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। और ट्रांजिटिव के लिए 1 2 बिलोंग कर रहा है, ठीक 2 3 भी बिलोंग कर रहा है लेकिन 1 3 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव, अगर कोई एक कंडीशन भी फेल हो जाता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। कोई भी हो, इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा, तब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। थैंक यू।